राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर पहुंचे। उनके दांतों में हल्की सी परेशानी होने के कारण अलवर शहर के एक निजी अस्पताल में उन्हें दांतों की क्लीनिंग के लिए पहुंचे, जहां करीब 30 मिनट रुके। यहां डॉक्टर प्रेरणा धरेजा ने उनके दांतों की क्लीनिंग की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मालाखेड़ा में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गिग इकोनॉमिक यानी जो ऐप बेस्ड कंपनियां काम करती हैं, इसमें समाज के कमजोर लोग ही काम करते हैं। थोड़े पैसों के लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। इन कंपनियों में इनका शोषण किया जाता है, नौकरियों से इनको हटा दिया जाता है। उन्हें अब सोशल सिक्योरिटी राजस्थान देगा। ऐसा करने वाला राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य होगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी बॉय और टैक्सी चालकों के लिए भी बजट में प्रावधान लाएंगे। राहुल गांधी से ये लोग मिले, राजस्थान पहला राज्य होगा। ऐप बेस्ड कंपनी में काम करने वाले ऐसे लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये दुखद है कि नेशनल मीडिया का सामाजिक सरोकार में कोई योगदान नहीं है। केंद्र के दबाव में मीडिया है, इसलिए वे यात्रा को कवरेज नहीं दे रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि इसका वोटों की राजनीति से सीधा संबंध नहीं है, यह तो लोगों के मुद्दे हैं जिन्हें हम यात्रा के माध्यम से निकाल रहे हैं। इसमें राहुल गांधी पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। आगे की यात्रा के लिए पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा को भी बधाई देते हैं। राजस्थान में कोई भी जिला ऐसा नहीं रहा जहां से लोग नहीं आए, क्योंकि वे लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, अहिंसा के रास्ते पर लोग चलें, सद्भावना के साथ लोग रहें। बजट में महंगाई से राहत देने के लिए कई घोषणाएं होंगी। अब हम बजट लाने जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के लोगों को हमने 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा कर चुके हैं। इसी तरह बजट में हम ऐसी कई घोषणाएं करेंगे जिसमें हम किसी न किसी तरह से महंगाई का बोझ लोगों पर से हल्का कर सकें। मैंने जो पहले 5 मांगे उठाई थी, मैं फिर से प्रधानमंत्री से इनकी मांग उठाता हूं। इन मांगों को राहुल गांधी ने भी मंच से उठाया था। राहुल गांधी ने कहा कि इन अंग्रेजी स्कूलों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन्हें जितना हो सके बढ़ाया जा सके। सीएम ने उड़ान योजना, शहरी रोजगार योजना, ओपीएस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं आज राजस्थान को एक मॉडल रूप में निखार रही हैं, बल्कि लोगों को हर तरह से सुविधाएं दे रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के शासन में न्यायपालिका में भी डर है, चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के अधिकारियों में भी डर है। उन्होंने यह आरोप आज अलवर की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मैं अब तक दबाव की बात करता था, लेकिन यह आप सीधा मेरा आरोप है कि अब इनमें डर है। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जिन राज्यों में भी चुनाव होते हैं, वहां पहले सूची तैयार हो जाती है और बाद में छापामारी की तैयारी शुरू हो जाती है। कांग्रेस व अन्य दलों को चंदा देने वाली पार्टियों पर यह दबाव बनाया जाता है कि इन्हें चंदा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करनी है। पहले कांग्रेस में अगर ऐसे आरोप लगते थे तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था, कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था, अन्य मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता था, लेकिन 8 साल में अभी तक किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने इस यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यह यात्रा राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र में नौकरी लगेगी, 22 साल में रिटायर हो जाएगा, इसके बाद क्या? जिसने भी इसके खिलाफ बोला उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, और फिर कहते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। सरकार से मांग की जो राहुल गांधी की 5 साल हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री घोषित करें। राइट टू हेल्थ का कानून बनाया जाए, क्योंकि महंगे इलाज से उनके घर बिक जाते हैं, गहने भी जाते हैं, फिर भी इलाज नहीं हो पाता, इतना महंगा इलाज है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र में तनाव की स्थिति है, संविधान लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि उसकी रक्षा के लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस भारत जोड़ो यात्रा ने एनडीए सरकार को हिला दिया है। मोदी और अमित शाह की नींद उड़ी हुई है और मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा है। राहुल गांधी की मीडिया कवरेज नहीं हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश ने कहा कि कल जय जवान दिवस है, ये यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। इस अवसर पर हरियाणा में राहुल गांधी पूर्व सैनिकों के साथ रहेंगे, किसान संगठनों से बात करेंगे। उन्होंने यह बात आज अलवर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 21 दिसंबर की सुबह हरियाणा में प्रवेश करेगी, 24 दिसंबर की रात को यह यात्रा दिल्ली पहुंच जाएगी, जो दिल्ली में 9 दिन विश्राम करेगी। पहले 5 दिन विश्राम करना था, लेकिन अब विश्राम का दिन बढ़ा दिए गए हैं। इस यात्रा में चल रहे 70 कंटेनर का मेंटेनेंस होना है, क्योंकि दिल्ली से आगे ठंडे इलाके होंगे, उनको उसी अनुरूप तैयार करना है। इसके अलावा 4 माह से जो इस यात्रा में पदयात्री चल रहे हैं, उनको भी अपने परिवार से मिलने का समय मिलेगा।
उन्होंने इस यात्रा के 9 दिन के विराम के बारे में कहा कि कोई भी राजनीतिक मीनिंग के रूप में इसे नहीं देखें और ना ही इस पर मैं कोई टिप्पणी करूंगा, क्योंकि अब यह सवाल भी सामने आएंगे कि 9 दिन में यह लोग कहाँ थे। उन्होंने कहा कि हम 9 दिन दिल्ली में ही रहेंगे, लेकिन जो अन्य राज्यों से पदयात्री चल रहे हैं वह अपने परिवारों से मिलने जाएंगे। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई व्यवस्थाओं पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चैलेंज किया था कि लेकिन राजस्थान सरकार ने चैलेंज पूरा किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में रहने का बंदोबस्त, सड़कों की गुणवत्ता एवं अन्य व्यवस्थाएं बहुत संतोषजनक थी और इस संबंध में उन्होंने राजस्थान सरकार को 10 में से 10 अंक दिए हैं। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि कुछ पत्रकार राहुल गांधी के साथ चलना चाहते थे, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया, कुछ मजबूरियां ऐसी थी। उन्होंने इस बात पर भी साफ बात कही कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर स्वयं राहुल दिल्ली का अखबार देखते हैं, जहां खबरें नहीं प्रकाशित होती, लेकिन क्षेत्रीय मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज किया है। उन्हें यह सलाह भी दी है कि जहां जहां यह यात्रा जा रही है वहां का क्षेत्रीय मीडिया और क्षेत्रीय अखबार किस तरह कवरेज दे रहा है, मायने यह रखता है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर भी भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ रहा है। राजस्थान की 13 जिलों को पानी की प्यास बुझाने वाली ERCAP की योजना में 90% केंद्र सरकार खर्च कर रहा था और 10% राजस्थान सरकार को खर्च करनी थी, लेकिन अब उसका बयान आ रहा है कि 75% और 25% फॉर्मूले पर इस राष्ट्रीय योजना पर काम किया जा सकता है और यह इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर और अजमेर में योजना को राष्ट्रीय योजना बनाने का वादा करके गए थे, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से समाज सेवा की नीतियां लागू की हैं, गरीब कल्याण की नीतियां लागू की हैं। उन्होंने इस राजस्थान मॉडल बताया और कहा कि इन मॉडलों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी 70 संस्थाओं से मिले हैं और वह फीडबैक लेकर आगामी कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि PM पद को उन्होंने पैकेजिंग एंड मार्केटिंग का नाम दिया। उन्होंने कहा कि CM का मतलब होना चाहिए कम्युनिकेशन मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि राजस्थान में काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन प्रचार नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान के लिए वरदान साबित हो रही है और जो भीड़ उमड़ रही है, अब यह संगठन में निर्भर करता है कि यह मतदान में तब्दील हो या नहीं हो, लेकिन राजनीति इस यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं है, क्योंकि काफी चुनौतियां हैं।